से सब लोगों को, मणिपुर का जो घटना घटी है ये तो बहुत दुख का बात है, बहुत दुख हो रहा है, बहुत संवेदनशील है जो वीडियो सामने आए हैं। मणिपुर का बेटी देश का बेटी है, लेकिन हम लोग भी कुछ बोलना चाहते हैं। ये पंचायत चुनाव के नाम से ये खून का चुनाव हुआ, जो संतराश का चुनाव हुआ, जो महिला के अत्याचार के ऊपर चुनाव हुआ, ये चुनाव नहीं है, ये भी महिला लोगों का एक अत्याचार का एक पिक्चर सामने आया। बहुत सारा घटना महिला के ऊपर घटती है। लास्ट 12 साल में आप देखिए तो ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी बार बार महिला के ऊपर घटना घटती है। इस पंचायत चुनाव में 8 जुलाई डे ऑफ इलेक्शन पांचला में एक महिला कैंडिडेट था ग्राम सभा, उसको बूथ के अंदर जाके उसको मतलब FIR भी किए हैं, बूथ के अंदर जाके उसको विवस्त करके उसको सामने उसको प्राइवेट पार्ट में उसको टच करके ये सब बदतमीजी किया। अब डोमजूर में 11 जुलाई काउंटिंग के दिन एक तृणमूल का कैंडिडेट, मैं बोलना चाहती हूं महिला है, TMC का ही कैंडिडेट है, काउंटिंग के रूम के अंदर में जाके उसको मतलब इतना उसका अत्याचार किया। उन्होंने भी खुद मीना जाना, उन्होंने भी खुद FIR किया डोमजूर से। आप देख रहे हैं कि वहां का कुछ वीडियो नहीं है, वीडियो वायरल नहीं हुआ, कोई वहां पे जाके ऐसा वीडियो नहीं कर पाया, क्योंकि वहां पे तो गन लेकर सब काउंटिंग रूम में चला गया ना, सब गन लेके बम लेके गया, महिला को सामने खड़ा करके उसको बंदूक देके सर पे बंदूक लगा के उसको नेकेट किया, उसका अत्याचार किया। उसका कोई जांच नहीं होगा, उसके लिए हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। कालियागंज में पंचायत चुनाव के पहले एक महिला, एक दलित महिला, राजवंशी महिला को उसको अत्याचार करके उसको खून कर दिया, उसको खींचते खींचते पुलिस लेके जा रहे हैं, वो भी वीडियो आपके सामने आए हैं। ये वीडियो जब वायरल होता है तब हम लोग बात करेंगे। अभी कांग्रेस भी अभी ममता बनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं, इंडिया नाम से भारत का नाम दिया, इंडिया दिया। क्या सोनिया गांधी क्यों चुप है, प्रियंका गांधी क्यों चुप है? क्योंकि ममता बनर्जी को साथ उन्होंने दिया है। बाकी प्रदेश में जाके ये लोग रोते हैं, लेकिन बंगाल में जाके ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। अधीर चौधरी जी है, उनको एक बार पूछ ले कि बंगाल में उनका क्षेत्र मुर्शिदाबाद में क्या क्या हुआ है। एक के बाद एक घटना घट रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री महिला होके भी चुप है। आप लोग बोलिए हम लोग कहां जाएंगे, हम लोग भी महिला है, हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा बेटी और लोग को बचा ले। हम लोग भी देश का बेटी है, मणिपुर का भी देश का बेटी है, पश्चिम बंगाल बाहर नहीं है, पश्चिम बंगाल देश में ही है। प्रधानमंत्री जी कल मणिपुर के घटना के लिए कल बोला, लेकिन सब राज्यों को बोला, हमारे सब बेटियों लोगों के लिए बोला कि सब राज्यों में कानून व्यवस्था स्ट्रांग होना चाहिए। सिर्फ मणिपुर का बेटी नहीं, देश का बेटी है, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे लिए भी कुछ बात आप लोग करें। हमारा बेटी कहां जाएंगे? पंचायत चुनाव में जिला परिषद का प्रार्थी हमारे इलाके में, उसको मतलब बाल एकदम एक करके लेके बाहर फेंक दिया उसको काउंटिंग के टाइम में। हम कुछ नहीं कर पाए, हम सिर्फ देखा, पुलिस को बोल रहे हैं,
कि अगर कुछ देखेंगे घटना वो बोलेंगे वो छोटा घटना है, पूरा चुनाव हो गया, पूरा रिजल्ट निकल गया, इतने सुकांतो जी बोल रहे थे 67 कार्यकर्ता का मौत हो गया। उसके बाद उनका एक स्टेटमेंट आया पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण है और जो छोटा मोटा घटना घटी है। अब 2012 का बात कीजिए, सुजैद खान का पार्कशीट का जब रेप हुआ था उनका, अभी वो नहीं है इस दुनिया में, वो बोल रहे छोटा घटना अफेयर है, अफेयर चल रहा था। महिला का हत्या होता है तो बोल देते अफेयर, अफेयर होने का मतलब है उसको अत्याचार करके उसको मार डालो। हम कहां कहां जाएंगे? हम सेंट्रल को बोलते हैं, सेंट्रल भी जांच करते हैं, कोई मदद नहीं मिलता है स्टेट से। महिला लोग बच्चे को लेकर अभी जाइए आप देखेंगे, अभी महिला का टीम गए थे कैंप में, कैंप में हाजिर है 3000 महिला इधर उधर कैंप में हाजिर है, बच्चे को लेकर आ गया, फाट देते हैं कपड़ा। अभी तो अमता में देखिए एक महिला कार्यकर्ता था कल्पना, आमता झुमा राय, कल्पना राय, उसका घर जला दिया। हमारा एलओपी ने वहां पे गए थे। अब मुर्शिदाबाद बोलिए, दक्षिण 24 परगना बोलिए, उत्तर 24 परगना बोलिए, कोचबिहार बोलिए, अलीपुरद्वार बोलिए, उत्तर दिनाजपुर बोलिए, दक्षिण दिनाजपुर बोलिए, हुगली बोलिए, डायमंड हार्बर बोलिए, सब जगह में ऐसा चल रहा है महिला के ऊपर। हम लोग क्या करेंगे? ये जो पंचायत चुनाव को लेके जो अत्याचार, जो संतराश हुआ, लूट हुआ, लूट, बैलॉट बॉक्स पूरा बाहर में, अभी कोई जीत गया, काउंटिंग नहीं हुआ, वो जीत गया, काउंटिंग नहीं हुआ, उनका गाजोल 207 बूथ नंबर वहां पे एकदम, मतलब बैलॉट बॉक्स पूरा एकदम सील है, 7 दिन बाद मिला। बहुत सारा जगह में हमारा हुगली में पांडुआ में देखा, बैलॉट पूरा माटी में एकदम पूरा एकदम फेंक दिया और वीडियो को, कोई जॉइंट वीडियो को दायित्व तो दिया उसको लेके आ जाओ। मतलब लगता है मुझे गणतंत्र डेमोक्रेसी का हत्या किया। जब किसी को हत्या होता है ना, 7 दिन बाद जाके उसका बॉडी, डेड बॉडी का एक एक पार्ट लेते हैं, हम लोग को लगता है कि गणतंत्र डेमोक्रेसी का हत्या करके फेंक दिया। 7 दिन बाद वो वीडियो आया सब एक एक करके लेने के लिए कि कोई देख ना जाए, कोई उसको देख ले, लेकिन वो भी वीडियो हमारे साथ पास आ रहे हैं। हम लोग देखा वहां पे, बीजेपी को वोट दिया, आपके पास भी शायद वो वीडियो होगा। तो बीजेपी का कर्मी लोग इतना मार खा रहे हैं, इतना लड़ाई कर रहे हैं, उसके बाद भी लोग चाहते हैं कि बीजेपी को वोट दे, बीजेपी भी जा रहे हैं, लेकिन क्या करे। महिला मुख्यमंत्री को देख के 2011 में 34 इयर्स का बाम सरकार को हटाया, उसको देख के कि महिला को सबसे ज्यादा सिक्योरिटी महिला मुख्यमंत्री देंगे, सबसे ज्यादा महिला के लिए बंगाल में एक नंबर में चला गया एगिए बांग्ला, महिला के अत्याचार में, चाइल्ड ट्रैफिकिंग में एगिए बांग्ला, एफआईआर करने नहीं देते हैं। बहुत मुश्किल से आज दो जो 5 लाख का जो एफआईआर है और जो डोमजूर का जो एफआईआर है, बहुत मुश्किल से किया है, ऑनलाइन में ये सब किए है। तो पश्चिम बंगाल में महिला लोग ऐसे ही परिस्थिति है। अब बीरभूम बोलिए क्या करते, विभत्स करके एक कैसा कुछ पत्ता होते हैं, हम लोग बंगाली में बोलते हैं बिछुटी पत्ता, बिछुटी पत्ता गायर मध्य घोषे दिए छिलो हाइतुन निशा खातुन बीरभूम 2015 কথা বলছি। সেই সময় তাকে আমরা দেখতে গেছিলাম। ऐसा तो परिस्थिति बंगाल का है, बहुत खतरनाक परिस्थिति है। हम लोग भी चाहते हैं कि आप लोग देखे, देश का लोग देखे, और ममता बनर्जी एक महिला होके हम लोग हाथ जोड़ते हैं। आज उन्होंने 21 जुलाई वो चल रहा है वहां पे, और यहाँ पे महिला लोगों को नेकेट करके घुमा रहा है, और ममता बनर्जी 21 जुलाई मना रहा है, गाना करके शहीद दिवस गाना बजा के कर रहा है।
सीपीएम ने मारा था, कांग्रेस को मारा था, अभी टीएमसी इसको मनाते हैं और बीजेपी को गाली देते हैं। ये शहीद दिवस का कोई संपर्क नहीं है, वो जो घटना घटी थी उसको सामने लेके इनका उत्सव होते हैं। जो लोग मारपीट किया, जो लोग काउंटिंग रूम में जाके बम बंदूक लेके अंदर में जाके मारा, वो लोग अभी 21 जुलाई में सामने आए हैं। सब चोर डकैत क्रिमिनल लोग अभी सामने आए हैं। अब ममता बनर्जी वहां पे वक्तव्य दे रहे हैं और उसके वहां पे वही राज्य में महिला लोग का ऐसा अत्याचार हो रहा है। हम भी चाहते हैं मणिपुर का जैसा सिचुएशन है, पश्चिम बंगाल का भी ऐसा सिचुएशन है। वो लोग को भेजते हैं मणिपुर में, पहले बंगाल संभाल ले उसके बाद वो मणिपुर में जाएंगे। बंगाल का बेटी बंगाल का देश का बेटी नहीं है। तो इसलिए मैं माफी चाहती हूं, मैंने थोड़ा सा इमोशनल हो गया, लेकिन ये बंगाल का परिस्थिति है। देखिए प्रेसिडेंट रूल तो बात तो केंद्रीय सरकार का होते हैं, बहुत सारा कुछ संविधान मान के होते हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं, हम लोग मतलब एकदम जैसा लड़के जैसा आते हैं, हम लोग ऐसे ही जवाब देके हम लोग यहाँ पर सरकार बनाएंगे और केंद्रीय सरकार इसके लिए डेफिनेटली सोचेंगे। पुलिस कोई मदद हम लोग को नहीं करते हैं। हम खुद गया था वहां पे, महिला लोग एक साथ हमारा हुगली में 100 लोगों को लेके महिला वहां पे था। महिला लोग हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, दीदी आप मत जाइए, आप मुझे छोड़ के, हम लोग को मुझे छोड़ के मत जाइए, ये पुलिस लोग कुछ नहीं करेंगे। और सामने 1000 क्रिमिनल सामने खड़े हुए है बंदूक लेके, पुलिस कुछ नहीं मदद करते। पुलिस चाहता है हम लोग चले जाए, इस ये लोगों को महिला के ऊपर अत्याचार हो और कुछ एफआईआर ये लोग नहीं लेंगे। जोर इतना तो देखे मुने हाँ जे ये पूरा एंटी करप्शन टीम का जोट है, ईडी सीबीआई को बचाने के लिए ये पूरा एक साथ हुआ है। अब बंगाल में देखेंगे तो कांग्रेस और सीपीएम का बहुत सारा कार्यकर्ता, हम लोग खुद देखा, हमारा उधर भी बहुत सारा कार्यकर्ता हमारे पास आए और बोला हम लोग कहाँ जाए दीदी, हम लोग को बचाइए। हम लोग बहुत सारा सीपीएम का भी कार्यकर्ता, कांग्रेस का भी कार्यकर्ता को बचाया था, उसका कर्मी लोगों को बचाया था, लेकिन यहाँ पे पटना में क्या देखा, बेंगलोर में क्या देखा, उसका नेता लोग एक साथ चाय पी रहे हैं। तो मतलब वो कर्मी लोग कहाँ जाएंगे, उसका क्या विचार क्या है, उसका नीति क्या है, उसको मालूम नहीं है। ये लोग बार बार ममता बनर्जी के एक्स में लड़ रहा है, लेकिन बेंगलोर में जाके ये तीनों लोग एक साथ हो रहे हैं। सोनिया गांधी अभी पश्चिम बंगाल के लिए पूरा चुप है, प्रियंका गांधी चुप है, राहुल गांधी चुप है, क्योंकि इन लोगों को मतलब सीबीआई ईडी से बचने का है। ये इंडिया नाम को इस्तेमाल करके इंडिया को बदनाम कर रहे हैं। आप देखे हैं कि प्रणब मुखर्जी का डॉटर ने भी इसको लेके बोले हैं कि अगर ये लोग तो ये इंडिया तो ये लोग तो 2024 में तो नरेंद्र मोदी जी 400 से ज्यादा सीट लेके आएंगे, तो इंडिया जो नाम आई है तो हार ही जाएंगे, तो क्या बोलेंगे सब जगह में जाके, इंडिया हार गया ये हमारे लिए ठीक है। तो इंडिया नाम को इस्तेमाल करके इंडिया का बदनाम कर रहा है और इंडिया और भारत एक साथ जुड़े हुए हैं, जो इंडिया है वो भारत है, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि इंडिया और भारत को डिवाइड कर दे, जनता को इंडिया का भारत का जनता को डिवाइड कर दे। ये इसका जवाब 2024 में जनता देगी।